छत्तीसगढ़ सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला इकाई ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बुधवार को एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने दिए ज्ञापन में कहा है कि उनकी संगठन के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय कांकेर द्वारा 27-28 अक्टूबर 2024 को हुई काउंसलिंग के तहत सूची जारी की जाए। रिकाउंसलिंग का संगठन पूर्ण रूप से विरोध करता है। पदांकन सूची शीघ्र जारी किया जाए। पदांकन सूची राज्य शासन की दिशा निर्देश के अनुसार सूची जारी की जाए। काउंसलिंग के नाम पर शिक्षकों को परेशान न किया जाए। पदांकन में रिश्तेदारों को अहमियत न देते हुए पारदर्शिता के साथ सूची जारी की जाए। पदोन्नति समिति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, सहित अन्य मांग शामिल है। फेडरेशन का धरना प्रदर्शन लगभग 11 बजे से 4:30 तक चला। इसी दौरान 3 बजे बड़े शीतला मंदिर धरना स्थल से रैली निकाली गई, जो मेन रोड से होते हुए पुराना बस स्टैंड वापस शीतला मंदिर धरना स्थल के पास पहुंची। ज्ञापन सौंपने फेडरेशन जिला अध्यक्ष उत्तम सिन्हा, उपाध्यक्ष लालमन पटेल सहित सभी पदाधिकारी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट कानकेर। कारण से जो है उनके मनसा है आदेश जो है जारी नहीं कर पा रहे, ये हमारे शिक्षक जगत के लिए बहुत बड़े विडम्बना है और हमारे जिला प्रशासन के लिए भी उनके बहुत बड़ी विडम्बना है। एक छोटे आदेश के लिए आज जो हमें बच्चों के सामने होना चाहिए, आज जो है सभी सहायक शिक्षक एक छोटे छोटे बच्चों के पास पढ़ाना लिखाना चाहिए। आज जो हम सड़क में जो है धरना कर रहे हैं उसी केवल एक सूची के लिए। जब मैंने की जो बोला जाता है कि इसको कलेक्टर के पास अनुमोदन नहीं हुआ, ऐसे कोई बात नहीं। कल हमारे पदाधिकारी जिला पदाधिकारी घर स्पष्ट रूप से कलेक्टर के पास जो है वार्तालाप किए, तो कलेक्टर के पास तक आज तक सूची हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के से नहीं आया है। न तो उसके बाद फिर जिला शिक्षा से बार बार बोला जा रहा है कि आपके जो है समिति के माध्यम से अनुमोदन नहीं हुआ है, तो कलेक्टर मुझे बोले कि समिति में छोड़ो कि आपके पास ये पूर्णतः अधिकार पावर है, आप जिसका काउंसलिंग हो गया है उसको पूर्णतः आदेश दिए, शिक्षक अपने अपने जगह जाकर के सेवा दें। जिससे सारे शिक्षक हमारे अपने प्राथमिक वर्ग के परेशान हो रहे हैं।